को सजा का ऐलान और आर्म्स एक्ट में संजय दत्त को 5 साल की सजा। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? But I have no idea about this, so I won't be able to comment. Being an outsider, we have of course suffered from nepotism. आजकल बॉलीवुड का संबंध ज्यादातर खराब कंटेंट, खाली सिनेमा हॉल सीट्स, नेपोटिज्म और न जाने ऐसी कितनी चीजों से किया जा रहा है। पर एक जमाना था जब बॉलीवुड के सिर्फ और सिर्फ सुनहरे दिन हुआ करते थे। बॉलीवुड को एक सफेद कागज की तरह देखा जाता था। पर कहते हैं ना, जब कागज कुछ ज्यादा ही सफेद हो उस पर काला रंग चढ़ने में देर नहीं लगती। और यहाँ वो काला रंग कुछ और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड है। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का एक अटूट रिश्ता रहा है। जिन्हें आप बॉलीवुड के पिलर्स मानते हैं वो भी इस काले धब्बे से अपने आप को नहीं बचा पाए। पर बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बीच 80 से 90 के दशक में दोस्ती हुई तो आखिर कैसे हुई, और कैसे आज के बाद ये बड़े स्टार्स उस दौरान अंडरवर्ल्ड की चकाचौंध से खुद को अलग नहीं रख पाए, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक हसीन दोस्ती होती है, हाथों में हाथ थामे साथ चलने वाली है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रिलेशनशिप आज के किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से कम नहीं थी। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो अंडरवर्ल्ड डॉन दरअसल बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपना काला धन लॉन्डर करने का एक जरिया समझते थे। अंडरवर्ल्ड की थाक बॉलीवुड पर यहीं तक सीमित नहीं थी। वो एक मूवी में पैसा लगाते थे और तो और मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स तक अपने हिसाब से चुनते थे। आप यही सोच रहे हैं ना कि आखिर बॉलीवुड में ही मनी लॉन्ड्रिंग क्यों करी जाती थी, तो इसकी वजह ये थी कि 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड में पैसा कैसे और कहां लगाया जा रहा है इसका ट्रैक रखना पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से अगर एक गैंगस्टर का किसी भी मूवी में काला धन लग भी रहा था तो उसका चाह कर भी पता नहीं लगाया जा सकता था। अब ये तो सभी जानते हैं कि गैंगस्टर्स बिना किसी फायदे के डील तो करते नहीं थे। अब पैसा लगाए तो उसका कुछ रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट ने भी बात खुद कबूल की है कि ये सभी डॉन मूवी से हुए प्रॉफिट मांगने के लिए सभी प्रोड्यूसर्स को कॉल करते थे, और अगर वो प्रॉफिट्स में हिस्सा देने से मना कर देते थे तो उनका क्या हाल होता था, ये आप राकेश रोशन से पूछ लीजिए। दरअसल साल 2000 में रिलीज हुई कहो ना प्यार है के प्रॉफिट्स मांगने के लिए राकेश रोशन को अली बाबा बुडेश का फोन आया, पर इन्होंने पैसे देने साफ इनकार कर दिया। तो इसका नतीजा ये था कि राकेश रोशन के ऑफिस के बाहर अली बाबा बुडेश के आदमियों ने इनके कंधे और सीने पे गोली चला दी थी। अब इससे आप अंडरवर्ल्ड का खौफ तो समझ ही गए होंगे। रिजवी, जिसे छोटा शकील का दायना समझा जाता है, कई बार सेट पर एक पैसों से भरा बैग लेके आता था और डायरेक्टर से मिलने की डिमांड करता था। हालात तो ऐसे थे कि उस टाइम जो एक्टर्स अपना करियर शुरू कर रहे थे किसी भी डॉन या उसके आदमी के आने की खबर सुनकर अपनी वैनिटी मैन में घंटों छुपकर बैठे रहते थे। वहीं कुछ एक्टर्स ऐसे भी थे जो अपनी दोस्ती इन क्रिमिनल्स के साथ छुपाने की मेहनत भी नहीं करते थे। उनके लिए क्रिमिनल्स के साथ अपना रिश्ता दिखाना एक रुतबे की बात थी। आप सभी ने दाऊद इब्राहिम का नाम तो सुना ही होगा। जितना बड़ा इस क्रिमिनल का नाम है उतने ही बड़े इसके बॉलीवुड में कनेक्शन है। ये डॉन खुलेआम बॉलीवुड स्टार्स को शारजा या दुबई में होने वाली अपनी आलिशान पार्टीज में बेखौफ होकर बुलाते थे। दाऊद का बॉलीवुड में कितना खौफ है उसे समझने के लिए हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। ऋषि कपूर बॉलीवुड के गोल्डन इरा के काफी बड़े सितारे रह चुके हैं। तो 80s का इतना बड़ा सितारा दुबई की जमीन पर अपना पहला कदम रखने जा रहा था। इतने में दाऊद के आदमी ऋषि कपूर को फोन पकड़ा के कहते हैं कि भाई बात करेंगे। फोन कॉल पर दाऊद ने ऋषि कपूर को चाय के लिए अपने विला पर इन्वाइट किया। ऋषि वहां गए, उनके साथ चाय पी और दाऊद ने ऋषि को बताया कि वो उनके कितने बड़े फैन हैं। अक्सर फैंस अपने पसंदीदा स्टार से मिलने के लिए एक मौके की तलाश में रहते हैं, पर ऐसा पहली बार हुआ होगा जहां एक एक्टर खुद अपने फैन से मिलने जा रहा हो, वो भी सिर्फ एक फोन पर बात करने के बाद। वैसे आपको बता दें कि धक धक करने लगा पर मारुति दीक्षित के साथ नाचने वाले एवरग्रीन एक्टर अनिल कपूर भी दाऊद के काफी खास मित्र माने जाते हैं। दाऊद और अनिल एक साथ पहली बार एक क्रिकेट मैच के स्टैंड्स में देखे गए थे। हालांकि अनिल कपूर ने आज तक इस बात को कबूल नहीं किया कि उनके और दाऊद के बीच में किसी तरह का भी रिश्ता है। ऐसा ही कुछ हाल अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना का भी है। ये दोनों मियां बीवी एक साथ दाऊद की एक नहीं बल्कि कई सारी पार्टीज में देखे गए हैं, पर अनिल कपूर की तरह इन दोनों ने भी इस बात से इनकार कर दिया। चलिए अगर इन्होंने ऐसा कहा है तो उसके पीछे भी कोई वजह तो रही होगी, नहीं तो क्या पता अगर ये हाँ बोल देते तो इनका हाल भी कुछ संजय दत्त की तरह ही ना हो जाता। बातों ही बातों में एक ऐसा नाम निकल ही आया जो इस टॉक्सिक रिश्ते की डेफिनेशन को काफी हद तक जस्टिफाई करता है, वो है अबू सलीम, संजय दत्त और छोटा शकील। इस डॉन के नाम में छोटा शब्द जरूर है पर इन्होंने काम अपने नाम से अलग काफी बड़े बड़े किए हैं। इन तीनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि अबू सलीम संजय दत्त के लुक्स और स्टाइल से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड थे। अब दाऊद की ही तरह सलीम साहब का मन हुआ कि वो संजय दत्त से मुलाकात करें। अब इनकी मुलाकात तो हुई पर हुई बड़े गलत समय पर। 1993 में हुए मुंबई बॉम्ब
बॉम्ब ब्लास्ट के कुछ समय पहले संजय दत्त और अबू सलीम मिले और संजय के हाथों में अपनी 2 AK-47 बंदूक थमा के चले गए। पुलिस ने संजय दत्त को इलीगल वेपन पोजेशन के केस में गिरफ्तार कर लिया। इस केस में संजय दत्त को रिहाई 2016 में मिली। बताओ, दोस्ती निभाने के चक्कर में संजू बाबा को जेल में रातें काटनी पड़ी। ये तो थी संजय दत्त की कहानी। वैसे कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देखकर ही रंग बदलता है। अब एक दोस्त का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के इतने बड़े क्रिमिनल्स के साथ है, तो इस दलदल से संजय दत्त के खास दोस्त सलमान खान कैसे दूर रह सकते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना है, सलमान खान जो लोगों की मदद करते हैं, अपने पास .22 राइफल और .32 रिवॉल्वर, जिससे 2 ब्लैक बक की हत्या हुई थी, उसको अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की क्या ही कहें, लोग तो कुछ भी लिख देते हैं ना। अब कहने को तो सलमान को 1993 ब्लास्ट होने के बारे में पहले से ही पता था और आज तक ये दाऊद इब्राहिम से भी नहीं मिले। इनके रिश्ते को हम थोड़ा और गहराई में जाकर देखें तो चोरी चोरी और चुपके चुपके उन मूवीज में से एक है जिसे देखने में आज भी उतना ही मजा आता है जितना पहली बार देखने में आया था। क्या आपको पता है कि इस मूवी में छोटा शकील का पैसा लगा हुआ था? इस बात का सिर्फ और सिर्फ सलमान खान को पता था। इस बात का खुलासा सलमान खान ने ऐश्वर्या को एक फोन कॉल पर किया था। हाँ, फोन कॉल की बात निकली है तो हम आपको ये भी बता दें कि सलमान ने ऐश्वर्या का फोन कॉल अबू सलीम का एक शो करने के लिए किया था। अब बताइए, इसके बाद भी आपको लगता है कि आज जितने भी बॉलीवुड स्टार्स जिन्हें हम इतनी इज्जत से देखते हैं, अंडरवर्ल्ड की दुनिया के साथ इनके गहरे संबंध रखते होंगे? अरे अब आप इतनी वीडियो देख ही चुके हैं तो जरा थोड़ी देर और रुकिए, अब भाईचारे से आगे बढ़कर इन दोनों के बीच के प्यार को भी जरा परख लें। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के प्यार भरे किस्से भी काफी अनोखे हैं। अब हाजी मस्तान और सोना की कहानी ले लो। सोना मधुबाला की तरह दिखती थी। अब मस्तान साहब को मधुबाला से बहुत प्रेम था तो मधुबाला तो मिली नहीं, इसीलिए उन्होंने सोना से ही शादी कर ली। प्यार की बात हो, दाऊद का नाम ना लिया जाए, ये ठीक नहीं लगेगा। ब्यूटी पीजेंट की एक कंटेस्टेंट अनीता अयूब के साथ दाऊद का एक गहरा रिश्ता था। ये एक दूसरे के इतने करीब थे कि 1995 में जब जावेद सिद्दीकी ने अनीता को एक मूवी में लेने से इनकार कर दिया तो दाऊद ने जावेद को स्वर्ग भेजने का बंदोबस्ती करवा दिया। लगता है तब प्यार में जीने भरने वाली बातें दाऊद ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले दी नहीं। अनीता के अलावा दाऊद के संबंध मंदाकिनी के साथ भी रहे। मंदाकिनी की कई सारी फिल्म में दाऊद ने अपना पैसा लगाया था और बॉलीवुड में अपने इन्फ्लुएंस की मदद से इन्हें कई सारे रोल्स भी दिलवाए। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की दुनिया के कुछ जाने माने प्यार भरे किस्से। हालांकि अब बॉलीवुड से अंडरवर्ल्ड लगभग पूरी तरह से साफ हो चुका है और इसके पीछे का कारण है अंडरवर्ल्ड के डॉन के हाथ से छूटती हुई पावर। जैसे जैसे अंडरवर्ल्ड मुंबई शहर पर अपना इन्फ्लुएंस खोता चला गया, बॉलीवुड भी उसके साथ उसके शिकंजे से आजाद होता चला गया। आज जाए सभी डॉन अपना मुंह छुपाए दुबई का आसरा लेकर बैठे, भाई बॉलीवुड अपनी आजादी के पंख फैलाकर आसमान की नई ऊंचाइयों को छूता चला जा रहा है। आज बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन ना के बराबर ही है, क्योंकि इस बात से सभी वाकिफ है कि आज की डेट में अगर ये ऐसे किसी भी पर्सनैलिटी के साथ दिखाई देते हैं तो इनका नाम मिट्टी में डुबाने में जनता एक सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएगी। और अब मूवीज के हिट होने में किसी डॉन के पैसों या पावर का नहीं, बल्कि सिर्फ बढ़िया कंटेंट और जनता जनार्दन का रोल होता है। खैर, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा कोई भी इंटरेस्टिंग किस्सा अगर आपको पता है तो आप हमें कॉमेंट में जरूर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।